हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई अभी से रिसेंटली कुछ वीडियोस के नीचे एक सब्सक्राइबर भाई लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप एक बाइक वॉशर बनाकर दिखाओ जिससे कि हम बहुत पावरफुल तरीके से अपने बाइक वगैरह को वॉश कर सके। ठीक है, अब उन्होंने नीचे कमेंट में लिखा था कि मुझे 555 मोटर से बाइक वॉशर बनाकर दिखाओ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 775 मोटर है। दो तरह के मोटर है, एक हाई आरपीएम वाला, एक नॉर्मल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो ये जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ इसे 555 हर मोटर से ट्राई कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे 775 मोटर है, वो भी हाई आरपीएम वाला हम यूज करने वाले हैं, और आपको बताऊंगा कि हाई आरपीएम वाला ही क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में आपने पावर वगैरह देख लिए तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना, ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपके घर में अगर आप इसको बना लेते हो। ठीक है, तो कोई भी इसको बना सकता है, बिल्कुल वेस्ट मेटल से बनकर रेडी हो जाएगा आज की वीडियो में। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक जो लोग चैनल पर नए आए हो और मुझे देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ऊपर 33K की फैमिली दिख रही है। अब इतने सारे लोग जुड़ गए हैं तो आप भी जुड़ जाओ ना, क्यों सिर्फ वीडियो देख रहे हो, फैमिली मेंबर भी बन जाओ, सब्सक्राइब भी कर लो नीचे जल्दी से ताकि आगे की वीडियोस भी देख पाओ। ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबाकर और घंटी बटन जो बगल में आएगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर देना। वीडियो को प्लीज जल्दी से एक लाइक कर दो यार, काफी टाइम हो गया 1000 लाइक देखने को नहीं मिल रहा है वीडियो में और व्यूज भी देखने को नहीं मिल रहा है, प्लीज लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। वैसे इस कमाल के और पावरफुल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप देखो हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक नहीं दो दो 775 मोटर है, जैसे कि आपने एक बार वीडियो में भी देखा था, कंपेयर किया था दोनों की स्पीड को। इसमें से एक हमने खुद मॉडिफाई किया है और एक हम लाए हैं दुकान से। ठीक है, तो दोनों की स्पीड आपको दिखा देता हूँ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ये हो गया, ये नॉर्मल 775 हो गया। ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं इसे बनाने के लिए, और ये है हमारा हाई आरपीएम वाला। ठीक है, तो भाई हम तो यहाँ पे इसका यूज करने वाले क्योंकि हमें चाहिए तगड़ी वाली पावर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बनाना, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहो। गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके आगे वाला हिस्सा बनाना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जिसमें इम्पेलर वगैरह होने वाला है और ये बहुत ज्यादा हाई आरपीएम का है तो सारी चीजें बहुत मजबूती से बनानी पड़ेगी। तो उसको बनाने के लिए हम इस वाले पाइप का यूज कर रहे हैं जिससे इस मोटर से थोड़ा सा बड़ा पाइप। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, इतना चौड़ा बनाएंगे आगे का हिस्सा। इस बार ज्यादा चौड़ा नहीं बनाने वाले, ज्यादा से ज्यादा टॉर्क चाहिए हमें इसलिए। ठीक है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का हमने छल्ला कट कर लिया है, जैसे कि आपको बोला था ये यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो हिस्सा है ये हमारे मोटर में फिट होने वाला है। इसमें इतना बड़ा होल करेंगे कि जो बुश है ये इसमें फिट आ जाए। ठीक है, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का पीवीसी का पीस कट कर लिया और यहाँ पे इसमें होल भी कर दिया। इसको आप मजबूती से फेविक से चिपका लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो दो यहाँ पे नट कसने का भी ऑप्शन है, स्क्रू कसने का। मेरे पास फिलहाल है नहीं, आप यहाँ पे वो कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे ध्यान से फेविक डाल लेता हूँ, ध्यान रखना मोटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से इसको लगा लिया मजबूती से फेविक से, और अब ये जो रिंग है इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम चिपका सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे इम्पेलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इम्पेलर बहुत ही मजबूती से बनाना पड़ेगा क्योंकि इस मोटर की पावर आप लोगों ने देख रखी है। ठीक है, तो ये मटेरियल काफी अच्छा लग रहा है और काफी फ्लेक्सिबल भी है, तो इसी की हम शीट बनाएंगे, उसके बाद इसका इम्पेलर अंदर बनाने वाले। तो आप लोग बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, ज्यादा कुछ काम नहीं है, उसके बाद टेस्टिंग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बस यहाँ पे देख सकते हो ये पाइप कितना ज्यादा मस्त लग रहा है और मैंने इसकी एक शीट भी बना ली है, और अब हम इससे अपना इम्पेलर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से बना लेते हैं। इम्पेलर से छोटा बनाएंगे जिससे कि अच्छे से मूव कर पाए। गाइस यहाँ पे इम्पेलर बनाने के लिए देख सकते हो एक और इस तरह का पीस कट कर लिया है, और इम्पेलर जो हमारा होने वाला है टेढ़ा टेढ़ा सा होने वाला है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको कट करते हैं और इसके ऊपर चिपकाते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा इसको बंद करेंगे और यहाँ पे मजबूती से इसको लगा देंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इम्पेलर हमने लगा लिया है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम बार बार आती है
कि क्या होता है कि ये अपने आप लूज हो जाता है क्योंकि मोटर बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है, ठीक है, और पानी जब इसमें पड़ेगा तो ये और ज्यादा इस पे प्रेशर पड़ेगा तो जल्दी जल्दी लूज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, पीवीसी का जो चूरा इस तरह का होता है ना, यहाँ पे लगा के और फिर ये जो फेरी बोर्ड है इससे हमने चिपका दिया बढ़िया से। अब ये नहीं निकलने वाला ना लूज होने वाला, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, या तो मिट्टी का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ये पीवीसी का जो बुरादा है ये बहुत ही अच्छा काम करता है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हम पानी ले सकें, और इसको यहाँ पे बढ़िया से चिपका देंगे, देख के कहीं पे लग ना रहा हो, ठीक है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से ये बन चुका है, ठीक है, और ये मैंने लगा भी लिया है ऊपर से। और अब क्या करेंगे ना, इसके ऊपर का एक पीस कट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको लगा देंगे और इतना बड़ा होल रखेंगे जिससे कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर की तरफ ले पाए, ठीक है। उसके बाद जल्दी इसको टेस्ट करेंगे, लगभग ये बन के कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से ये हमारा बन चुका है, ठीक है। इस वक्त क्या है, ये एक नॉर्मल वाटर पंप है, मतलब नॉर्मल ये बहुत ज्यादा पावरफुल वाटर पंप है, क्योंकि इसमें जो हमने मोटर लगाया है वो हमारा खुद का, मतलब बनाया हुआ मोटर है, खुद का वाइंड किया हुआ मोटर है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर हम इससे बाइक वॉश वगैरह वॉश करना चाहते हैं तो हमें पतली सी धारा चाहिए होगी जो कि बहुत तेज हो, ठीक है, और उसके लिए प्रेशर हमें बनाना पड़ेगा और ये पतली वाली पाइप हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो मैंने इस तरह से लगाया इससे मोटा आउटपुट भी ले सके इससे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इस तरह का वॉल्व कनेक्ट करूँगा, ठीक है, जो कि बहुत ही मजबूती से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पाइप कनेक्ट करके जितना मैं उतना लंबा कर सकते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा इसका प्रेशर आता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ये लगा लिया है, ठीक है, और अब हम इसमें कोई भी पतला पाइप कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलो जल्दी से इसमें पेंट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट ही हो जाएगा और फिर हम जल्दी से टेस्ट करेंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो पेंट वगैरह हमने कर लिया है, ठीक है, और अब क्या करना है ना, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए पहले तो ऊपर ये वाला पाइप लगाना है, लेकिन जिस बर्तन में हम इसको लगाएंगे उससे पानी खींचने के लिए यहाँ पे एक लंबा पाइप भी नीचे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया और देखने में इसका लुक बहुत ही जबरदस्त लग रहा है कि ये जरूर कुछ ना कुछ कर पाएगा, ठीक है। और चलो अब जल्दी से देखते हैं कैसे काम करता है। नीचे मैंने लंबा सा लगा दिया पाइप जिससे कि नीचे से पानी लगातार खींचे और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा खासा आउटपुट मिले। चलो यहाँ पे मैंने साइकिल खड़ी कर दी है, चलो जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास पानी है और यहाँ पे पावर सप्लाई जिसमें एक वायर जोड़ भी चुके हैं, और जैसे ये वाला कनेक्ट करते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छी खास देख सकते हो हवा कैसे आ रही है, आप लोग देखो पहले, ठीक है। तो देखते हैं पानी किस रफ्तार से आता है, जिस रफ्तार से हवा आया है उम्मीद है उस रफ्तार से पानी भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई फिक्स करने का फिलहाल बनाया नहीं है, कोई बात नहीं, वो आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो पहले देखते हैं इसका प्रेशर वगैरह कैसा है काम करता हूँ। मैं पहले वायर जोड़ता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के सामने इसको ट्राई करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं वायर लगा रहा हूँ, ठीक है, नीचे आप देख सकते हो और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये रेडी पड़ा है यहाँ पे, और चलिए लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो आप, मतलब प्रेशर देख रहे हो इसका कितना कमाल का आ रहा है, ठीक है। और नोजल देखो, मतलब इतना रखा है, मतलब ज़्यादा पतला भी मेरे को नहीं रखना पड़ रहा है, काफ़ी मोटा पानी फेंक रहा है ये, ठीक है, जिससे कि साइकिल बहुत अच्छी साफ होगी। इसका प्रेशर जरा चेक कर लेते हैं कितना दूर जा रहा है ये, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखना, मैं एक बार फिर लगाता हूँ, देखो मतलब काफ़ी तेज, ठीक है, इतना तेज है कि इतना मोटा पानी को भी लेकर काफ़ी दूर तक जा पा रहा है। तो गाइस यहाँ पे सारा सेटअप हो चुका है, ठीक है, और मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, ठीक है, मतलब प्रेशर आप देखो, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रेशर दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमने मोटर को खुद वाइंड किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, जैसे जैसे मोटर में प्रेशर पड़ता है किसी भी चीज़ का तो वायर हीट हो जाती है। इसका कारण यह है कि हमने काफ़ी मोटे वायर से वाइंडिंग कर दी थी, 20-21 गेज का वायर था, ठीक है। सो अगर आप नॉर्मल हाई आरपीएम वाला लोगे तो वो गर्म नहीं होगा, वैसे भी ये 10 एम्पियर है तो डायरेक्टली 10 एम्पियर जा रहा है
और बताऊं तो जो नॉर्मल वाला 775 मोटर है वो इस तरह का प्रेशर दे भी नहीं पाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे हाई आरपीएम वाला लगाना होगा, ठीक है, तभी दे पाएगा, देख सकते हो, क्योंकि इस तरह का प्रेशर देना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है, किसी मोटर के लिए। आप देखो, काफी बढ़िया प्रेशर दे रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और ये डायरेक्ट नीचे से पानी खींच कर दे पा रहा है, ठीक है, देख सकते हो, मतलब पानी नीचे जा चुका है मोटर से, फिर भी पानी दे पा रहा है खींच के। चलो थोड़ी देर और चलाते हैं और आप इसके कुछ शॉर्ट क्लिप्स देखो। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे देख सकते हो साइकिल धुल भी चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका प्रेशर काफी अच्छा है तो साइकिल तो धुल नहीं थी, आपने मुझे बोला था और मैंने बनाकर भी दिखा दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, बिल्कुल 100% सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत ही मस्त चीज है। और इतने मोटे पानी के फ्लो को ऊपर पहुंचाना, मतलब कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं पेन की नीडल लगा देते हैं, बहुत ही पतला सा दिखाते हैं, तो ये इतना मोटे पानी के साथ प्रेशर देगा तो कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से साफ कर सकते हो आप, ठीक है, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसके साथ काम करने में, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से है, मैंने पेंट भी कर दिया, इसे वाटर प्रूफ भी हो जाएगा, और आप मोटर के ऊपर भी एक पाइप लगाकर इसको भी वाटर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसमें पानी वगैरह ना जाए। वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि आगे वाला मॉडल सिर्फ मैंने बनाया है, ठीक है, बाकी मोटर के ऊपर भी पीवीसी का एक पाइप लगा के इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने आपकी विश पूरी की, आप मेरी विश पूरी कर सकते हो। प्लीज एक नीचे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, जिन लोगों ने नहीं दबाया है, न्यू आए हो हर वीडियो देखना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लिया करो यार। यहाँ पे देख सकते हो 33K की फैमिली है, इसको कंप्लीट करना है ना और आगे बढ़ाना है, तो आप भी जुड़ना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, उम्मीद है आप तो लाइक कर ही सकते हो। चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं।